हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमने अभी एक वीडियो बनाया था रिसेंट में, लगभग एक महीने पहले, कि CNG की परमिशन मिलने वाली BS6 इंजन के साथ में। तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे लोग ने उल्टा सीधा बोल रहे थे, बहुत सारे गालियाँ लिख रहे थे कि न्यूज़ के लिए ये सब, व्यूज़ के लिए सब वीडियो बनाया ऐसा वैसा। तो भाई, अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा है तो ये यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, उसमें चेक कीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से। गुजराती नहीं आती है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। तो अभी एक्चुअली हाल ही में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अब मुझे ये नहीं पता, अभी कंफर्मेशन ये नहीं है कि पूरे इंडिया में हुआ या नहीं, पर मैं जहाँ पे रहता हूँ गुजरात में, पूरे गुजरात में हर एक जगह पे BS6 में परमिशन मिल गई है। और आप अपने डीलर पे जाके या कहीं भी आप जाके आप बात कर सकते हो, विद डॉक्यूमेंट के साथ में आप आसानी से CNG डलवा सकते हो BS6 इंजन में। अब एक्चुअली अगर अभी हाल ही में 30 तारीख को न्यूज आई थी, 30 और 31 को, अभी हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, 10-15 दिन, महीना, 1 मंथ, तो थोड़ा वेट कीजिए। और आपके पास में जो डीलर हो वगैरह ये सब RTO में पता कीजिए, इन्फॉर्मेशन निकालिए, तो शायद से डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी और आप इजीली मूव करा सकते हो पेट्रोल से CNG में BS6 इंजन को। हालांकि मैंने अभी बीच में प्लान भी किया था मारुति के साथ वीडियो का, पर एक्चुअली हो नहीं पाया क्योंकि ये उन्होंने बोला अभी टाइम शेड्यूल ठीक नहीं चल रहा है, तो टाइम नहीं उन्होंने दे पाया हमें। तो बहुत जल्दी हम वो वीडियो भी डिटेल में लाएंगे, पर मैंने सोचा मेरे पास न्यूज़ आई थी तो मैंने सोचा कि आपको एक बार न्यूज़ बता दूँ क्या चल रहा है, कि अप्रूवल आएगा या नहीं। तो हाँ, अप्रूवल आएगा, 100% आ गया है। अब उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बाकी न्यूज़ अप्रूव्ड हो चुकी है और गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। उसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 15 दिन या 1 मंथ, और डिपेंड करता है आपके यहाँ पे RTO से या आपके यहाँ पे जो भी आपका डीलर वगैरह है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप उससे बात करके पता कर सकते हैं किस तरह से क्या प्रोसीजर रहने वाला है और किस तरह से आपको आके डील करनी है। आपको RTO से पहले परमिशन लेनी है या फिर आप जहाँ पे रेट्रोफिटिंग कराएंगे वो डायरेक्ट करके देंगे, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ से आप कर सकते। ये कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है और ना ही मैं व्यूज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको अगर बिलीव है, जिसको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज वीडियो मत देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो सच में मुझे फॉलो करते हैं और भरोसा रखते हैं उनके लिए। और अगर आप बड़ौदा या यहाँ से आसपास में नियर बाई में रहते हैं तो आप अगर तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको 100% करवा के दूंगा विद डॉक्यूमेंट के साथ में, वो भी कोई भी मैं चार्जेस नहीं लूंगा। तो कोई भी भाई फेक न्यूज़ नहीं है। आपने न्यूज़ वगैरह भी बहुत सारी जगह पे देख ही लिया होगा, क्योंकि अभी पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इलेक्शन से पहले उन लोग, मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है ताकि कुछ इलेक्शन में उनको मतलब हेल्प मिल सके यहाँ से। अब मेरी एक्चुअली डीलर से बात होनी बाकी है, अभी मैं बात कर लूँ उसके बाद मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। हो सकता है मारुति के किसी एग्जीक्यूटिव को या किसी मारुति के किसी पर्सन को मैं लेके आऊँ वीडियो में, तो और भी अच्छे से डिटेल में हम बात कर सकते हैं। और मैं अभी शोरूम पे नहीं गया हूँ, तो मैं अगर शोरूम पे जाता तो मैं डेफिनेटली और भी न्यूज़ कलेक्ट कर सकता था और आपको फाइनल बता सकता था कि कब तक आप करवा सकते हो प्रोसीजर, क्योंकि परमिशन मिलने के बाद भी थोड़ा टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में। तो इस वजह से कितना टाइम लगने वाला है, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना या 2 महीने, क्योंकि ये चारों तरफ इलेक्शन के टाइम चल रहे हैं, तो हो सकता है कि मतलब इम्प्लीमेंट में थोड़ा डिले हो सकता है। कुछ ही दिन में आपको हर जगह पे पूरे इंडिया में आपको कहीं भी फिटिंग करवा सकेंगे और ये बहुत ही जल्दी अप्लाई होने वाला है पूरे भारत में। तो अगर आप पेट्रोल इंजन चला रहे थे अभी तक और आपको CNG में कन्वर्ट कराना है, तो बहुत जल्दी आपके लिए आपकी जगह, आपके शहर में ये सब गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको। तो अगर आप बहुत टाइम से पेट्रोल चला रहे थे और CNG का वेट कर रहे थे BS6 इंजन में, तो अभी ये इसकी टेंशन ख़त्म होने वाली है, क्योंकि परमिशन मिल इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है बहुत जल्दी। तो आप इजीली BS6 में CNG इंस्टॉल करवा सकेंगे रेट्रोफिटिंग, या तो कंपनी से या फिर आफ्टर मार्केट विद पेपर वर्क, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको रिसेंट में जल्दी से पता करना है तो आपके RTO, जो भी आपके नियर बाई में RTO, वहाँ से पता कीजिए या फिर आपके डीलर से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली 100% वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। तो ये था CNG के ऊपर छोटा सा अपडेट, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।